हैप्पी डॉटर्स डे, शुक्र करके तुम पैदा हुई हो, वरना कितनों को तो अपनी माँ के कोख में ही मार दिया जाता है। अगर किसी तरह उससे बच जाओ तो पैदा होने के कुछ ही महीनों में तुम्हें मार दिया जाता है। अगर उससे भी बच जाओ तो कुछ ही साल बाद तुम्हें जिंदा लाश बना दिया जाता है। आपको पता है रेप क्यों होती है? लड़कों की वजह से। रेप हम लड़कियों की वजह से होती है। रेप होते हैं हमारे आउटफिट, हम किस लोकेशन पे किस टाइम पे मौजूद है उसके ऊपर। जब एक लड़की रात भर ऑफिस में काम करती है, अपनी ड्रीम्स को सच करने की कोशिश करती है, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहे, तो फिर भी रेप के लिए जिम्मेदार वो लड़का नहीं, वो लड़की है। लेकिन एक 9 महीने के बच्चे क्यों रेप होती है? क्योंकि वो सिर्फ एक डायपर पहन के रहती है। एक 70 साल की दादी जी क्यों रेप होती है? क्योंकि वो एक साड़ी या फिर सिर्फ एक नाइटी पहन के रहती है। इसीलिए जिस देश को हम भारत माता बोलते हैं, जिस देश में दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, काली माँ की पूजा होती है, उसी देश में एक क्रिश्चियन नन को रेप किया जाता है। सती मैया के शरीर के 91 टुकड़े हमारे देश में गिरे थे। उन सब जगह को हम सती पीठ बोलते हैं। उनमें से एक जगह है आसाम में कामाख्या टेंपल, जहाँ हर साल जून 22 से 26 तक अंबुबाची मेला चलता है। वहाँ फीमेल मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे घर में बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि इसके बारे में लड़कों से बात नहीं करनी, चाहे वो तुम्हारे खुद के पापा ही क्यों ना हो। लेकिन अभी तो चेंज हो रही है। हाँ, माना कि बहुत स्लो चेंज है, बट स्लो चेंज इज बेटर देन नो चेंज, है ना? हाँ, बिल्कुल। आई एम प्राउड ऑफ दोस पेरेंट्स जो अपने बेटी को सपोर्ट करते हैं नो मैटर व्हाट, और जो अपने बेटों को सिखाते हैं कि लड़की उसे कैसे पेश आए। लेकिन क्या अभी भी इक्वालिटी हो रही है? लड़कियां अगर माँ दुर्गा है तो लड़के हैं महाकाल। दोनों ही शांत अच्छे रहते हैं। उन्हें जगाने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है।